वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक टू लर्न फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हमें डिस्कस करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा आप यहां देख पा रहे हैं कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है तीन क्लासेस में डिवाइडेड है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। सो नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक में कोई सब कैटेगरीज नहीं है, केवल सिंथेटिक जो है इसमें सब कैटेगरीज है, राइट। इसमें जो सब कैटेगरीज है इसमें है आपका माइडोटिक्स, एंटी सिक्योरिटी, एंटी पार्किंसोनियन एंड वेसिको सेलेक्टिव। ओके, सो हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन का लेआउट याद होना चाहिए जिसके थ्रू हम ओवरऑल याद कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ याद करने के लिए देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि माइडोटिक्स को हम कह सकते हैं माई डियर, सो यहाँ लिखा हुआ है माई डियर। एंटी सिक्रेटरी से मैंने लिया हुआ है सिक्रेटरी, एंटी पार्किंसोनियन से लिया हुआ पार्किंसन एंड वेसिको सेलेक्टिव से वेसिको सेलेक्टिव। सो इमेजिन कीजिए कि जो बॉस है वो अपने सेक्रेटरी से कुछ कह रहा है ना। बॉस कहता है कि माय डियर सेक्रेटरी, पार्किंसन इज अ वेसिको सेलेक्टिव। ओके, सो आपको चारों कैटेगरी याद हो जाएगी, माय डियर सेक्रेटरी, पार्किंसन इज अ वेसिको सेलेक्टिव। ओके, नाउ मूव टूवर्ड द क्लासिफिकेशन। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट है आपका नेचुरल। ओके, नेचुरल में ओनली टू ड्रग्स हैं, फर्स्ट है हायोसिन, सेकेंड है एट्रोपिन। सो इसको आप बिना ट्रिक के ही याद कीजिए, या फिर भी यदि याद करना है आपको ट्रिक से तो आप बोल सकते हैं कि नेचुरल है एट्रोपिन। ओके, नेचुरल मीन्स ये नेचुरल, है मीन्स हायोसिन, एट्रोपिन मीन्स एट्रोपिन। सो नेचुरल है एट्रोपिन, फर्स्ट क्लास ही है। नाउ सेकेंड, सेकेंड है आपका सेमी सिंथेटिक। ओके, सेमी सिंथेटिक जो है इसमें जो ड्रग्स हैं, फर्स्ट है होम एट्रोपिन एंड सेकेंड है एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट। सो यदि आपको पहली कैटेगरी याद है तो सेकेंड कैटेगरी की दोनों ड्रग जो है वो भी याद हो जाएगी, बिकॉज दोनों में क्या आ रहा है, एट्रोपिन आ रहा है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, एट्रोपिन के सामने होम लगाना है तो होम एट्रोपिन हो जाएगा, और सेकेंड एट्रोपिन के बाद में मेथोनाइट्रेट लगाना है, सो एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट हो जाएगा। ओके, सो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल तो हमें प्लांट से मिलता है राइट, बट जो सेमी सिंथेटिक है वो हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, मतलब होम पे बनाना पड़ेगा। सो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ से होम से मुझे स्टार्ट करना है, होम और ये एट्रोपिन, होम एट्रोपिन एंड एट्रोपिन आ गया तो एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट। ओके, तो दोनों दोनों ड्रग्स आपको इसलिए याद हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ ड्रग्स के नाम थोड़े लंबे हैं, लाइक हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोटोप्रियम ब्रोमाइड, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका इनिशियल टर्म लिया हुआ है एच बी एंड बी, दैट इज हबीब, एच बी बी दैट इज हबीब। तो हबीब जी कोई बंदा है, ठीक है, तो हबीब जी जो है वो क्या कह रहे हैं कि आईपर और TIT दोनों कॉलेज के नाम है। ओके, MP में कॉलेज है, आईपर है, TIT भोपाल में है। ओके, सो हबीब जी कह रहे हैं कि आईपर और TIT कॉलेज में क्या है, बरगद के पेड़ हैं। ओके, आईपर और TIT में बरगद के पेड़ हैं। तो हबीब जी दैट इज हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आईपर मीन्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, TIT टायोटोपियम ब्रोमाइड, बरगद मीन्स ब्रोमाइड। ओके, सो आईपर इप्राट्रोपियम, TIT टायोटोपियम, बरगद मीन्स ब्रोमाइड, दोनों में आपको क्या लगाना है, ब्रोमाइड लगाना है राइट। या कैटेगरी देखिए, यहाँ कॉमन सब में ब्रोमाइड ब्रोमाइड आ ही रहा है। ओके, सो हबीब जी ने बताया कि आईपर TIT कॉलेज में बरगद की पेड़ है। ओके, नाउ मूव टूवर्ड द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड में जैसे हमने पहले याद किया हुआ था कि फर्स्ट कैटेगरी इसमें जो है वो माइडोटिक्स की है। ओके, माइडोटिक्स में यहाँ पे दो ड्रग हैं, ट्रॉपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था माइडोटिक्स को मैंने याद किया था कैसे, माय डियर से। ओके, सो इस पे ट्रिक्स है कि माय डियर कीप ट्रॉफी ऑन साइकिल। ओके, माय डियर कीप ट्रॉफी ऑन साइकिल, यहाँ जो मेजर वर्ड है माय डियर मीन्स माइडोटिक्स, कीप ट्रॉफी ऑन साइकिल, ट्रॉफी मीन्स ट्रॉपिकामाइड, साइकिल मीन्स साइक्लोपेंटोलेट। ओके, सो ट्रॉफी एंड साइकिल, ट्रॉपिकामाइड एंड साइकिल से साइक्लोपेंटोलेट।
सो हमें इनिशियल वर्ड यदि याद रहेंगे तो इजीली हम उसके आगे का वर्ड भी याद कर पाते हैं. ओके नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाजमोडिक. ओके एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाजमोडिक में दो और कैटेगरीज हैं. ओके तो यहाँ पे आप इसको याद करिए कि यहाँ पे 4 and 3 लिखा हुआ है. राइट 4 को हम कहते हैं कि यहाँ पे क्वार्टरनरी है और 3 को हम कहते हैं कि इट इज़ टर्शरी. जैसा नाम से क्लियर है हम इसको ऐसे ही लिखते हैं क्वार्टरनरी एंड टर्शरी. ओके सो क्वार्टरनरी एंड टर्शरी में क्वार्टरनरी जो है इसमें ड्रग है आपका प्रोपेनथैलीन आइसोप्रोपामाइड ऑक्सीफेनोनियम ग्लाइकोपाइरोलेट पाइपेंजोलेट एंड क्लिडिनियम. ओके सो क्वार्टरनरी के में लिखा हुआ है कि यहाँ से जो हमने ट्रिक्स में कहा था कि माय डियर सेक्रेटरी है ना ये सेक्रेटरी है तो बॉस से सेक्रेटरी क्या कहता है कि क्वार्टरली राइट हर 4 दिन में या हर क्वार्टर में आप प्रॉपर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज से पाइप को क्लीन करें. ठीक है सेक्रेटरी कहता है मतलब बॉस सेक्रेटरी से कहता है कि क्वार्टरली आप प्रॉपर ऑक्सीजन और ग्लूकोज से पाइप को क्लीन करें. प्रॉपर मीन्स क्या हो जाएगा प्रोपेनथैलीन और एक प्रॉपर में आपका यहाँ पे आ रहा है प्रोपामाइड. सो प्रोपेनथैलीन एंड प्रोपामाइड. ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीफेनोनियम ग्लूकोज मीन्स ग्लाइकोपाइरोलेट पाइप मीन्स पाइपेंजोलेट एंड क्लीन मीन्स क्लिडिनियम. ओके इजीली याद हो जाएगा. नाउ टर्शरी टर्शरी देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है. 3 लिखा हुआ है मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ भी 3 ही ड्रग है. ओके पी वी एंड डी ये इसके इनिशियल वर्ड्स हैं पी वी डी. तो टर्शरी जैसे ही आएगा आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 ही ड्रग्स हैं. पी से पायरेंजेपिन वी से वेथामेट एंड डी से डाइसाइक्लोमीन. ओके या तो आप इजीली इसको ऐसे ही याद कीजिए या फिर इसको हम कह सकते हैं पायरेंजेपिन मीन्स प्यार. ओके सो प्यार की व्यथा व्यथा मीन्स वेथामेट. सो प्यार की व्यथा से डाइसाइक्लो डिसिल्वा किसी का नाम है ना वो प्यार में फंसा हुआ है तो प्यार की व्यथा से डिसिल्वा को निकालिए है ना उसको बचाना चाह रहे हैं तो प्यार की व्यथा से डिसिल्वा को निकालो. सो पायरेंजेपिन वेथामेट एंड डाइसाइक्लोमीन. ओके नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी पार्किंसोनियन. ओके एंटी पार्किंसोनियन में 3 ड्रग्स हैं बाइपेरिडीन प्रोसाइक्लिडीन एंड बेंच हेक्सोल या बेंच हेक्सोल को आप कहते हैं ट्राइएक्सफेनिडिल. ओके बाइपेरिडीन बाइपेरिडीन यहाँ से क्या एंटी एंटी पार्किंसोनियन एंटी है मतलब कोई तो एंटी ने क्या किया बाई बाई मिस बाइपेरिडीन पर मिस प्रोसाइक्लिडीन बैन मिस बेंच हेक्सोल तो एंटी ने बाई पर बैन लगा दिया. ओके नेक्स्ट कैटेगरी है वेसिको सेलेक्टिव. वेसिको सेलेक्टिव में देखिए यहाँ पे भी 3 ड्रग है ऑक्सीब्यूटाइनिन फ्लेवोक्सेट एंड टॉलटेरिडोन टॉलटेरिडिन. ठीक है सो वेसिको सेलेक्टिव यहाँ से जैसे ही आएगा कि वेसिको सेलेक्टिव या जो लास्ट में टर्म है सेलेक्टिव मतलब क्या किया है आपने किसी को सेलेक्ट किया है. ओके सपोज करिए कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है. ओके ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है और आपने उसको सेलेक्ट किया किसको सेलेक्ट किया ऑक्स को किसके कारण उसकी ब्यूटी के कारण तो ऑक्स को उसकी ब्यूटी के कारण आपने सेलेक्ट कर लिया. इससे क्या हुआ फालतू लोग टॉलरेट नहीं कर पाए. ठीक है तो ऑक्स की ब्यूटी मतलब ऑक्सीब्यूटाइनिन ऑक्स की ब्यूटी को सेलेक्ट किया जिसे फालतू लोग टॉलरेट नहीं कर पाए. फालतू मीन्स फ्लेवोक्सेट एंड टॉलरेट मीन्स टॉलटेरिडोन. ठीक है सो दिस इज ओवरऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. आप इसे इजीली देखिए एंड समझिए. यदि फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.